हाँ मैं टाइम पर खाना खा लूँगी, खाना फ्रिज में रखा है, आप ये बात मुझे 4 बार बता चुकी हो। मुझे जैसे ही भूख लगेगी मैं फ्रिज में से खाना लेकर खा लूँगी, आप चिंता मत करो। लेकिन मम्मा आप इतनी बारिश में गई ही क्यों? आपको पता है यहाँ पर अभी भी बारिश हो रही है। हाँ, और यहाँ अकेले मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है। बस आप जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करना। हाँ मम्मा मैं सुन रही हूँ, मैं सारी खिड़कियाँ सारे दरवाजे बंद कर दूँगी, बस आप जल्दी आ जाना। ओके मम्मा, बाय बाय। मिसेस विमला माथुर की हत्या उनके घर पर उनको कुर्सी से बांधकर उस वक्त की गई जब वो घर में अकेली थी। पुलिस का कहना है कि यह काम भी उसी हत्यारे का है जिसने पिछले 1 महीने में 3 कत्ल किए। पुलिस का यह भी कहना है कि इस हत्यारे का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है क्योंकि वो सिर्फ कत्ल करता है, चोरी नहीं। वो पहले कोई बहाना बनाकर घर में घुसता है और फिर उनका कत्ल कर देता है। पुलिस की जनता से अपील है कि वह किसी भी अनजान व्यक्ति को घर में ना ले और अगर किसी ऐसे व्यक्ति पर शक हो तो फौरन इस नंबर पर संपर्क करें 400021 400022। और अब मौसम, लगातार वर्षा के कारण शहर मिस्टर मल्होत्रा घर पे है? कौन? मिस्टर मल्होत्रा। कौन मल्होत्रा? ये मैम RZI 125 मावरिंग क्लब है। जी एड्रेस तो यही है। हाँ तो मिस्टर मल्होत्रा यही रहते हैं। जी देखिए मैं आपको कह रही हूँ कि यहाँ पर कोई मल्होत्रा नहीं रहते, ये GH गुप्ता का घर है। कौन गुप्ता? कौन गुप्ता का क्या मतलब है? कौन गुप्ता? GH गुप्ता जी का घर है ये। तो मैम मिस्टर मल्होत्रा मुझे GH गुप्ता का पता क्यों देगी मैम? ये तो आप जाकर उन्हीं से पूछ लीजिए। हाँ तो मैं उन्हीं के लिए तो आया हूँ यहाँ पे। देखिए मैं आपसे बार बार एक ही बात कह रही हूँ, एक बार फिर से कह देती हूँ, कान खोल कर सुन लीजिए कि ये GH गुप्ता जी का घर नहीं है, मल्होत्रा जी का घर है। मेरा मतलब है कि RZI 125 ही है लेकिन यहाँ पर कोई मिस्टर मल्होत्रा नहीं रहते, ये GH गुप्ता जी का घर है। ओके मैम। हेलो मैम, इट्स मी अगेन। अब क्या हुआ? फोन कर सकता हूँ? फोन मेरा फोन बंद है। वो कोई और फोन नहीं है मैम? जी नहीं, एक ही फोन है जो कि बंद है। क्या 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 प्रॉब्लम है मैम? क्या प्रॉब्लम है मतलब क्या प्रॉब्लम है? मतलब फोन में क्या प्रॉब्लम है? फोन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, फोन बंद है बस। मुझे कॉल करना था मैम, अर्जेंट था, प्लीज। तो मैं क्या करूँ? कोई और फोन है? जी देखिए मैंने आपको एक बार बता दिया, मेरे पास एक ही फोन है जो कि बंद है। नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं मैम, यहाँ आसपास कोई और फोन है मैम। ये मुझे कैसे पता होगा कहाँ क्या है कहाँ क्या नहीं है?
मैम आप यहाँ रहती है ना, तो आपको मुझसे ज्यादा पता होगा कि यहाँ पे फोन है कि नहीं है। देखिए मैंने एक बार कह दिया, मुझे नहीं पता कहाँ पर क्या है कहाँ पर क्या नहीं है, आप खुद जाकर देख लीजिए। Why are you getting angry, ma'am? अब क्या हुआ? मैम मेरी गाड़ी खराब हो गई है, पता नहीं क्या हो गया है। एक तो मैम इतनी जोर की ठंड लग रही है, मैंने ये जैकेट भी पहन रखा पर इससे कुछ हो नहीं रहा। मैम प्लीज मैम, अगर आप परमिशन दे, अगर आप अलाउड करें तो मैं अंदर आ जाऊँ प्लीज मैम। अगर आपको इतनी ठंड लग रही है तो आप अपनी गाड़ी में जाकर क्यों नहीं बैठ जाते? मुझे समझ नहीं आ रहा आप मुझे इतना परेशान क्यों करें, प्लीज जाओ यहाँ से। What an idea, ma'am. हमेशा आप भी कैसे सोचती है मैम। What an great idea, ma'am. What an idea. हेलो मैम, इट्स मी अगेन। मेरी गाड़ी की चाबी अंदर बंद हो गई। तो मैं क्या करूं? मतलब मेरी गाड़ी की चाबी जो है अंदर रह गई है। तो मैं क्या करूं? तो आपने कहा था ना गाड़ी में जाके बैठूं, तो अब गाड़ी की चाबी तो अब अंदर बंद हो गई, अब तो मैं अंदर जाके तो बैठ नहीं सकता, तो क्या मैम अंदर आ जाऊं मैम प्लीज प्लीज मैम। हाँ हाँ बोलो, मैं यही हूँ। अंदर आ जाओ मैम। देखो मेरे पति ऊपर सो रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं किसी अनजान आदमी को घर में लेकर आऊंगी। तो मैम उनको बुला लो ना, मैं बात कर लेता हूँ। मैं नहीं जगा सकती, मैं नहीं जगा सकती, इनफैक्ट मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती, प्लीज जाओ यहाँ से। हाँ बहुत तंग कर रहे हो मुझे। मैं तंग कर रहा हूँ आपको? बाहर बारिश हो रही है, ठंड मुझे लग रही है और मैं आपको तंग कर रहा हूँ मैम? मैं बहुत खराब है मैम, आप बहुत खराब है। ओ गॉड, क्या अजीब आदमी है, बिल्कुल परेशानी कर दिया। नहीं आ रहा मैम, मैम प्लीज मुझे कुछ खाने को मिल सकता है, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है मैम, प्लीज कुछ भी। आप वहीं रुको, मैं देती हूँ। मैम मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है, मैं भिखारी तो नहीं लग रहा हूँ ना मैम? वहीं रुको, मैं कुछ देती हूँ। मेरी माँ आपको आशीर्वाद देगी मैम प्लीज। ओ मैम थैंक यू, मेरी माँ आपको आशीर्वाद देगी मैम। Thank you, ma'am. कौन कहता है आप खराब है, आप बहुत अच्छी है मैम, बहुत अच्छी है। हेलो मैम। अब क्या है? क्या सैंडविच बनाया मैम, बड़ा सैंडविच मैम, कितनी अच्छी स्टफिंग करी आपने, ऐसा बिल्कुल मेरी माँ बनाती थी, ठीक है, कितनी खुश होगी वो आज।
ये तो आपको कितनी दुआएं देगी मैम, व्हाट अ सैंडविच। इट्स ओके। अब जाओ यहां से। हां, मैं जा रहा हूं। रॉन्ग। तनी क्या ही आदमी है, पीछे ही पड़ गया। कांट बिलीव दिस मैन। गॉड। मैम, अरे मैम, वो जग गए। कौन? आपके हस्बैंड। मेरे हस्बैंड? आपको कैसे मालूम? मैंने देखा अभी, ऊपर टहल रहे, पर्दा भी हिल रहा था। हस्बैंड? पर्दा हिल रहा था मैम। मैम, कौन है मैम? कोई है ऊपर। वो तो मैंने झूठ बोला था, मैं अकेली रहती हूँ उस घर में। प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। कोई है? चोर तो नहीं है? पता नहीं, मैं जाके देखूँ। ओके मैम, आप डरो मत, डरो मत, मैं जाके देखता हूँ। रुकिए, मैं देखता हूँ मैम। यहाँ तो कोई नहीं है ऊपर, तो मैम कोई नहीं है ऊपर, नीचे सब जगह देखा, कोई नहीं है मैम। लेकिन आवाज तो आई थी ना? आई होगी मैम, किसी बिल्ली बिल्ली की होगी। किसी बिल्ली की आवाज नहीं थी वो? अरे तो मैम, कोई चोर क्या बेड के नीचे छुप गया? क्या मतलब है आपका? आप ही ने तो कहा था कि आपने किसी को ऊपर देखा था। हाँ मैम, मैंने देखा था, मैं पर्दा हिलते हुए देखा था, यहाँ ना कि किसी इंसान को देखा था मैम। आप बिना मैम, नहीं आप समझ नहीं रहे हैं, मुझे सुबह से लग रहा है कि घर में कोई है, मुझे महसूस हो रहा है कि घर में कोई तो है, आप समझ नहीं रहे हैं। मैम, टू मच।